हेलो फ्रेंड्स एंड हियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट टू। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में मैं एलएनएमयू डिग्री पार्ट टू के वैसे स्टूडेंट्स जिनका आरबी नन हिंदी का एग्ज़ाम 7 दिसंबर 2020 को फर्स्ट सिटिंग में हुआ है, तो उन सभी के लिए आरबी नन हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मुझे जानकारी है, आज 7 दिसंबर 2020 को साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 50 मैथिली और 50 हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मैथिली की क्वेश्चंस उपलब्ध होगी तो उसका भी आंसर की आपको बता दिया जाएगा। तो आप इसी प्रकार अप टू डेट हर एक सब्जेक्ट का आंसर की पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर की अप टू डेट इसी चैनल पर मिल पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आरबी नन हिंदी से, खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो खंड काव्य आपको पता होगा संजीवनी है, और इसी प्रकार अगर गीति काव्य पूछा जाता तो वो आपका पाषाणी है। तो खंड काव्य पूछा गया तो संजीवनी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग कौन सी रचना है? तो प्रतीक काव्य का सफल प्रयोग भी संजीवनी रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संजीवनी की कथा वस्तु किस प्रकार की है? तो ये पौराणिक है। आप लोगों को बार बार जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसी से क्वेश्चंस ज़्यादातर लिए गए हैं, और बार बार इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया था कि चाहे वो संजीवनी हो या फिर पाषाणी हो, दोनों जो है पौराणिक कथा वस्तु से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है? तो देखिए, उत्तर छायावाद युग के कवि नागार्जुन भी है और आरसी प्रसाद सिंह जी भी है, लेकिन आपके अध्याय में आरसी प्रसाद सिंह जी का जिक्र किया गया है, इसीलिए यह आपका बेस्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कच्छ के पिता कौन थे? तो बृहस्पति जो थे, जो देवताओं के गुरु थे, वो कच्छ के पिता थे। उसी प्रकार शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? तो देवयानी थी। देवयानी के पिता शुक्राचार्य थे, जो दानवों के गुरु थे। फिर यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? तो आपको पता होगा शुक्राचार्य जो थे वो संजीवनी विद्या के जानकार थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवां का। आठवां क्वेश्चन है कि संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? तो संजीवनी काव्य की जो भाषा है ये अवधि हो सकता है, क्योंकि संजीवनी आरसी प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और ये बिहार के समस्तीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, तो इसमें अवधि बहुत ज़्यादा संभावना यही होना ही चाहिए, क्योंकि अवधि बिहार में यही चलता है। फिर आगे नौवां प्रश्न है कि संजीवनी काव्य में संजीवनी क्या है? तो संजीवनी एक जीवनदायिनी विद्या है, अर्थात जो मर भी जाते हैं तो संजीवनी विद्या के जरिए उनको पुनः जीवित किया जा सकता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है कि देवयानी किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखती है? तो ये शुक्राचार्य के आश्रम में ही संजीवनी विद्या सिखाई जाती थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर युग से संबंधित निम्न में से कौन कवि है? तो यहाँ पे ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी है। देखिए, नागार्जुन भी आते हैं, लेकिन आपके बुक में जानकी वल्लभ शास्त्री का जो पाषाणी गीति काव्य है वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने लिखा है, तो इसका जिक्र किया गया, तो ये आपका बहुत ही बेस्ट आंसर होगा। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा अवतरण की रचना शैली क्या है? तो गंगा अवतरण की जो रचना शैली है वो आपका 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीति नाट्य शैली। ये पाषाणी में इसका जिक्र किया गया, जो कि एक गीति काव्य है। फिर यहाँ पे है कि उग्र तप का कर रहे जयगान ओ भगीरथ जो मनुष्य महान, यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो देखिए, गंगा अवतरण से होगा, क्योंकि भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पे अवतरित करवाया था तपस्या करके, तो वही है उग्र तप का कर रहे जयगान ओ भगीरथी जो मनुष्य महान, गंगा अवतरण से ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो ब्रह्मा का संबंध जो है ये आपका गंगा अवतरण से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन है, ज़्यादातर तो गंगा अवतरण, लेकिन उर्वशी भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है गंगा अवतरण ही होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा ने शायद वरदान दिया किनको, तो भगीरथ को, गंगा को धरती पर अवतरित करने हेतु उनके तपस्या से प्रसन्न हो गए, तो यही होगा। फिर 15 है कि भोगवाद कला को किस रचना में वर्णित किया गया है? तो भोगवाद जो है ये आपका पाषाणी में है, तो 15 का आंसर जो है वो यही होगा, क्योंकि इसमें अहिल्या का जो
संबंध होता है जो एक अवांछनीय संबंध इंद्र के साथ होता है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया। तो भोगवाद कला का कला को जो है पाषाणी में वर्णित किया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमोर्सियम के कथानक से प्रेरणा किस रचना में ली गई है, तो ये जो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, गंगा अवतरण, या इसमें उर्वशी भी हो सकता है। देखिए गंगा अवतरण मैं बेस्ट ऑप्शन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ इसमें कि कौन बिल्कुल सही होगा, फिर भी मैं प्रयास किया हूँ मेरे अनुसार से इसमें जो है विक्रमोर्सियम के कथानक से प्रेरणा किस, तो गंगा अवतरण ही होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, संध्या से प्रातः काल तक की रागनियों में ही किस रचना के सारे गीत बंधे हुए हैं, तो किस रचना के, तो ये आपका हो जाएगा पाषाणी होना चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहिल्या का संबंध किस रचना से है, तो अहिल्या जो पाषाणी बन जाते हैं तो श्राप के बाद, तो इनका संबंध पाषाणी से है, अहिल्या का संबंध पाषाणी से है जो एक गीति काव्य है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है, तो ये अहिल्या नाम रहता है, अहिल्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। उसके बाद फिर देखते हैं आगे 20 नंबर प्रश्न, यहाँ आप देख पा रहे हैं 20 नंबर प्रश्न, पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, तो ये जो है पाषाणी से ही उद्धृत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब जिसमें हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। देखिए पंजाब में तो पंजाबी चलता है, और केरल कर्नाटक जो साउथ है उसमें ज़्यादातर कन्नड़ या फिर तेलुगु या फिर इंग्लिश चलता है, तो उत्तर प्रदेश में जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, क्योंकि ये नॉर्थ भारत के नॉर्थ क्षेत्र में आते हैं, उत्तर दिशा में मतलब उत्तरी भाग में आते हैं, तो इस इधर हिंदी चलता है, तो इसका उत्तर प्रदेश सी आंसर होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, यह कथन किसका, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो ये देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है निज भाषा, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है, तो त्रिभाषिक सिद्धांत चलता है, त्रिभाषिक फॉर्मूला अर्थात मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, देखिए भारत में सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, जिसे राजभाषा की सूची में रखा गया, तो सी हो जाएगा राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, अष्टम अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो देखिए अष्टम अनुसूची में हिंदी संस्कृत मैथिली तीनों सम्मिलित है, केवल मगही जो है जो बिहार की एक भाषा है वो सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है, तो ये जो चर्चा है ये 27 का जो आंसर हो जाएगा कि राजभाषा नीति की चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे तो मैं बता दूं, अभी पता है आपको अभी बारात का सीजन है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा ही साउंडिंग हो रही है, लेकिन आप लोगों के विशेष रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों को अभी का अभी आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इसको आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगी, वो अगल बगल से जो है गाड़ी गुजरती है, तो इसको बुरा नहीं लीजिएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कुल कितने सदस्य होते हैं, देखिए अगर आपको सुनाई नहीं दे तो मैं आपको टिक लगाता चलूँगा, आप देख लीजिएगा, तो कहता है संसदीय राजभाषा समिति में राज्य भाषा के कुल कितने सदस्य होते हैं, देखिए कुल 30 होते हैं, जिसमें से 20 जो है वो आपका होता है लोकसभा के और 10 होता है राज्यसभा के, तो राज्यसभा का पूछा गया है तो इसका ए हो जाएगा आंसर 10। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बार बार बताया गया है विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र कौन कौन से है, तो क ख और ग है, ये तीनों क्षेत्र जो है जिसकी चर्चा की गई है क ख और ग में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो हुआ ये आपका जनवरी 1976 में हुआ,
तो 32 का जो है बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा, तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो संपर्क सबसे बड़ी संपर्क भाषा हिंदी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी, तो ये जो है संघ की राजभाषा के रूप में जो हिंदी को मान्यता दी 14 सितंबर 1949 को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है सर्वे संक्षेपण के गुण में कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए संक्षेपण का जो गुण होता है वो संक्षिप्तता होता है, स्पष्टता होता है और शुद्धता होता है, तो ये तीनों तो गुण ही है संक्षेपण का, कहता है कौन सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है, देखिए कच्चा रूप को प्रारूप कहते हैं, तो प्रारूपण हो जाएगा, सरकारी पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 का जो होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि मूल अवतरण के एक तिहाई शब्दों में क्या लिखा जाता है, तो मूल अवतरण के एक तिहाई शब्दों में आपको पता होगा संक्षेपण लिखा जाता है, एक तिहाई करके मतलब जितना भी शब्द होता है उसमें तीन से भाग देकर उसको लिखना संक्षेपण कहलाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 38 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं चिराग तले अंधेरा कहावत का क्या मतलब है, तो देखिए चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखाना, मतलब अपनी बुराई नहीं देखना, दूसरे में बुराई खोजना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल जिसको डिंग हाँकना आप लोग कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान केवल बाह्य प्रदर्शन मतलब बाहरी रूप से दिखावा करना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब हुआ डिंग हाँकना, मतलब अपने आप को बहुत बताना, तो अधजल गगरी छलकत जाए। फिर आगे देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ बताए, तो बुरी तरह से पछताना, 8-8 आंसू रोना बुरी तरह से पछताना, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कल पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है चैन मिलना, आराम मिलना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है अंधा बनाना का अर्थ बताइए, तो अंधा बनाना का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना मतलब अंधा बनाना। उसके बाद आप देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन रंग जमना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमना, धाक जमना, किसी का कहीं पे रंग जम जाता है मतलब धाक जमता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हाथ मलना का अर्थ बताइए, हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, पछताना। 46 नंबर क्वेश्चन है एप्लीकेशन का अर्थ, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, जैसे लिखते हैं आप लोग एप्लीकेशन तो आवेदन लिखते हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और डायरेक्टरेट का मतलब जो है ये नहीं होता है, ये होता है निदेशालय, निदेशालय महानिदेशक नहीं होता है, निदेशालय को ही डायरेक्टरेट कहा जाता है। और इंटरव्यू का मतलब जो होता है वो आपका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।